कराची से लोग दूर दूर से जॉब फेयर में हमदर्द के जॉब लेने आ रहे हैं। कैमरामैन ताहा भाई के साथ चैनल पे चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शानिता खान। आप पढ़ती हैं पढ़ाती हैं? पढ़ती भी हूँ पढ़ाती भी हूँ। आपको क्या पढ़ना है? A for apple, B for ball। मुझे तो समझ रहे हो आप? चले रहने दे। यहाँ पे क्यों आई है? मैं यहाँ पे एज अ वॉलंटियर आई हूँ वैसे तो, लेकिन मैं क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का ये इवेंट था तो इस वजह से मैं यहाँ पे पार्ट ले आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जॉब वगैरह मिल भी रही है या बस बना रहे हैं? अरे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज और चांसेस तो बहुत हैं यहाँ पे। 85 प्लस कंपनीज हैं यहाँ पे। आप लोग अपनी सीवी ड्रॉप करें और फिर आपको कॉल। अच्छा, नहीं मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैं एक दो पे गया था तो मुझे तो लगा कि पागल बना है। थोड़ा थोड़ा है अभी क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं तो हर इतने सारे पढ़े लिखे आ गए। जी पढ़े लिखे नहीं है, उनमें कुछ आप जैसे भी हैं। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली हमें मैं वही मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लाइबा मुमताज। कहाँ आप पढ़ती हैं? हमदर्द यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमदर्द से तो मशहूर है कि हेलीकॉप्टर बने हुए थे वहाँ पे। ऐसा कुछ खास ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मशहूर है ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमदर्द से बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। वो फिर आगे जाके हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी इंजीनियर्स ही बनाते हैं, ऑब्वियस है ये। चलिए ये तो बात सच है। अच्छा, तो यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है कि माशाल्लाह से? बेसिकली मैं यहाँ वॉलेंटियर हूँ और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव माहौल है यहाँ का। इवन जॉब फेयर काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं लोगों को। बाज लोग ये कह रहे हैं यहाँ आके कि यहाँ नहीं है जॉब फेयर है, मगर जॉब्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डायरेक्टली तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ डायरेक्ट आपको फ़ौरन नहीं मिल जाती प्लेट में करके, आपको उसके लिए अप्रोच बाद में भी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बैक फ्लो रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये काम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि बाहर जाके बोलेंगे जॉब्स ही नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, ये बाहर जाके यही हो रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बोलते हैं कि यार यहाँ जॉब्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जॉब्स हैं, मगर आपको यहाँ से आपको सिर्फ गाइडेंस मिल रही है, ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप यहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में मौजूद है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आपको वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी अभी नहीं है अगर बस ये कहने के यार अभी नहीं है, मगर जुलाई तक जैसे कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, तो इंटर्नशिप्स ऑब्वियसली वो स्टूडेंट हैं तो वो अभी इस टाइम पे तो नहीं कर सकते क्योंकि सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, तो समर्स में जो समर्स का टाइम होता है जो कि ऑफ होता है उसमें इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल हैं। बस वो एक सीवी लेकर आ गए हैं और बोल रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए 1.5 लाख की, बस पैसा ही पैसा होगा। हाँ बिल्कुल, वो यही चाह रहे हैं कि बस अभी के अभी सब कुछ हो जाए, उनको सब कुछ अभी हो जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बीवी मिल जाए। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यार मुर्गे ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। कैमरा भाई क्या करे यार, कहा भाई चले आगे देखते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मखदूम अली। मखदूम अली भाई आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अरे हाँ, ये तो मेरी क्लास में ही पढ़ते हैं, भूल गया, ये फंस गया सी है। अच्छा, तो ये बताएं यार जॉब फेयर लगा हुआ है कैसा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है क्या? जॉब फेयर में दरअसल हम वॉलंटियर कर रहे हैं फूड सेक्टर में, तो हमें बहुत ख्वारी मिलनी पड़ी है, मगर मज़ा आ रहा है, एक्सपीरियंस हासिल करने को मिला है। हमें हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्लेटफॉर्म दिया है हर किसी को कि आप लोग आएँ अपनी जॉब दें सब कुछ करें, और बाकी हमारे स्टूडेंट्स भी आए हुए, कुछ सीनियर्स आए हुए, कुछ जूनियर्स भी आए हुए हमारे इन्जॉय करने के लिए कि जो क्लासेस का बंक मारे। बेसिकली हमने बंक मारा है क्लास का, हमारी क्लास थी सुबह मगर हम आए हुए, सर को पता है मगर अब अल्लाह मालिक है। तो बंक मारा है और ये क्या कहते हैं वो मारा है, आपने ये मारा है क्या मारा है? तो ये आजकल बड़ा वो चल रहा है कि हमदर्द में मुर्गे पकड़े जा रहे हैं हम समेत। तो भाई मुर्गे हो तो मुर्गे पकड़े जाएंगे, आप आएँ, आप कैफे में बैठें कभी हमारे साथ, आओ कभी हवेली पे, आपको बताएंगे रैगिंग क्या होती है, क्या क्या होती है,
आप सब नारे लगवाएंगे, हमदर्द मेरे बाप की है, मिनी हमदर्द का, ये सब कुछ होगा आपके साथ। वो नारों के बाद तो मैं बोलना बंद हो गया दो दिन तक। अम्मा बोल रही क्या होगा कि आवाज वहीं छोड़ कर आ रहा है क्योंकि क्या नारे बुलवाए थे या कुछ और दिया था? नारों में अब्बा भी आ गए थे तो बस आवाज मतलब आपने अब्बा चेंज कर लिया अपना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना। अब ये तो आपने हाई लेवल बात कर दी बड़ी। आप बोले ना चुप हो गया था मैं दो दिन लिया था, मुंह में कुछ दे दिया था उन्होंने, क्या ऐसा नारा दे दिया था कि आप ले नहीं सके पूरा, तो यही हुआ होगा। अच्छा तो रैगिंग करवाने वालों में से या करने वालों में से? मैंने पहले रैगिंग अपनी करवाई है, फिर करिए चूंकि पीआर बढ़ती है, आप कराओ रैगिंग। बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक फ्रेंडशिप है सीनियर किया था आपकी। आप खड़े हैं वो आपकी पैंट थोड़ी तुड़वाएंगे इतना शर्ट। आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे, दो चार फनी चीजें करवाएंगे जिससे आपको मजा आएगा, पूरी कैफे को एंटरटेन होगी बस। वैसे ये बात तो अच्छी है कि यार कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है बड़ा रैगिंग कराने के बाद। लेकिन यार कितनी दफा रैगिंग हुई है? मेरी एक ही दफा हुई है, उसके बाद मैंने बहुत दफा कराई। यार तो हमारी चार पांच दफा हो गई फिर भी हमें पकड़ के ले जाते हैं। आप साल साल में एक दफा चेहरा दिखाएंगे कैफे में तो इसी तरह होगा, आप रोज आके बैठे कैफे में किसी की मजान ली को आप पे आगे हाथ डाले। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, आप ना कराए? यार मैं नहाता नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं जब भी नहाने आता हूँ ना मैं गीला हो जाता हूँ, तो डरता हूँ मैं गीला होने से। तो खुश पानी डलवा ले अपने घर में। यार खुश पानी बोला है मैंने, मगर आपके जो फादर जी इनके आपने नारे लगाए थे वो लाके नहीं दे रहे। चलो मैं करवाता हूँ आज, अब्बू से बोलता हूँ हमदर्द में खुश पानी का टैंकर डलवाएं, मुँह में कुछ चले आएगा। चले ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मारी आपने लपेट लपेट के। नहीं आपने मुर्गा ढूंढा था ना, मैंने देख लिया। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिलजा नूर। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा आप कहाँ पढ़ती हैं? हमदर्द यूनिवर्सिटी। अच्छा हमदर्द यूनिवर्सिटी में किस डिपार्टमेंट? एफओपी। एफओपी। अच्छा तो यहाँ पे जॉब फेयर हमदर्द का ऑर्गेनाइज हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है क्या, क्या आपके मतलब रिटर्न्स है? बहुत अच्छा है, हमने मैसेज कन्वे किया है कि हमदर्दियंस कंपटीशन से नहीं डरते। चले ठीक है, मैं खुद हमदर्द का स्टूडेंट हूँ तो माशाल्लाह से मैंने आके करा है, दो तीन जगह अप्लाई, तो देखते हैं क्या है। आपने करा है अप्लाई? जी गेट्स फार्मा में इंटर्नशिप। चले ठीक है, इंशाल्लाह दुआ करते हैं आप। और बताएं क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी लाइफ वगैरह कैसी है? हमें तो आगे बड़ा मिला है, बहुत अच्छी लाइफ है, पढ़ो अच्छी लाइफ है, आगे डिग्री लो। नहीं वो पढ़ने के साथ भी और कुछ हो रहा है हमदर्द में, जूनियर्स की रैगिंग करो। वो तीसरे सेमेस्टर में मैं आ गया हूँ लेकिन आज भी पकड़ लेने। थर्ड सेमेस्टर में आप? मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ लेकिन अभी तक मेरी 6-7 दफ़ा हो गई है, अभी भी ले लेते हैं। आप इंटरव्यू के बाद मिले। चलें मतलब अब यहाँ से भी मिलेगा। चलें ठीक, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये मीम पसंद आया होगा, हमने हमदर्द के स्टूडेंट की लपेट लपेट के लिए मुर्गों को पकड़ा है, बहुत कुछ ने 20 को भी पकड़ा है। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। इस अपने पन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।